Assalamu alaikum guys, welcome back. This is Shah Fahad Khan on your screen, and today I'm back with a very unique type of video in here on MBBS, and this is a video on how to calculate your GPA in Dow Medical College. Okay guys, ye video first year MBBS students, second year and third year maybe most probably yahi hogi, but technique yahi hoga. I haven't seen their transcripts yet, but first year I'm sure ki yahi technique is gonna be applicable. And guys, maine kafi students ko GPA miscalculate karte hue dekha hai kisi dusri technique se jo ke har jagah apply nahi hoti, koi aise technique jo ke sahi correct bhi nahi lag rahi lekin wo bahut zyada phail chuki hai. And since there is no one to guide about the GPA, no one teaches about it, no one explains how your GPA is calculated, so that's why बहुत सारी अपनी अपनी techniques जो है वो फैल चुकी हैं. And guys, I'm here now with a very very correct technique, ठीक है, and this is a very authentic technique and has been verified by many other people, okay, other than me. So let's begin. This is a video specially for the students of Dow Medical College कराची, ठीक है. बाकियों के लिए भी अगर वो चाहें, दे कैन ऑफ कोर्स सी दिस वीडियो एंड सी हाउ आर जीपीए इज कैलकुलेटेड. सो लेट्स बिगिन. ऑलराइट गाइस, सो अब जो स्टूडेंट्स मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, मतलब मेरे ही ईयर में, सेकंड ईयर में अभी प्रमोट हुए हैं, या फिर जो मेरे जूनियर्स अभी आए हैं फर्स्ट ईयर में, उन सबको दे मस्ट सी दिस वीडियो, ओके, क्योंकि काफ़ी रॉन्ग टेक्निक्स भी काफ़ी फैल चुकी है एंड मैंने देखा है कि काफ़ी रॉन्ग टेक्निक से लोग जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं. दैट्स नॉट राइट, ठीक है, दे आर इनअप्रोप्रिएट. सो लेट्स बिगिन. ऑलराइट गाइस, सो एनुअल एग्जाम्स जब होते हैं तो एनुअल एग्जाम्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है थ्योरी का कंपोनेंट और दूसरा होता है वाइवा का कंपोनेंट, ठीक है. अब थ्योरी का कंपोनेंट जो होता है उसमें थ्योरी का एग्जाम होता है आपका, ठीक है. थ्योरी का एग्जाम जो है, जो आपके 5 मॉड्यूल्स हुए होते हैं पूरे साल में, फाउंडेशन, ब्लड, लोको, रेस्पो या CVS, यही 5 मॉड्यूल्स थ्योरी एनुअल एग्जाम्स में होते हैं, ठीक है. एंड साथ साथ ही इनका वाइवा भी होता है, ठीक है. अब गाइस, इनके थ्योरी एग्जाम्स और इनके वाइवा होते हैं डिफरेंशिएशन में. थ्योरी के अलग मार्क्स होते हैं, 100-100 मार्क्स फॉर ईच मॉड्यूल होते हैं फिक्स. वाइवा जो है ये वेरी करता है, डिफरेंट मॉड्यूल्स का डिफरेंट होता है. अच्छा गाइस, एक टर्म होता है क्रेडिट आवर्स. दिस इज व्हाट यू गाइस शुड नो व्हाट इट एक्चुअली इज, बट यू डोंट नीड टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट, ठीक है, यहाँ पर, बिकॉज यू आर नॉट लर्निंग अबाउट क्रेडिट आवर्स, क्योंकि क्रेडिट आवर्स एक अलग कॉन्सेप्ट है पूरा. एंड हम चूँकि हम डॉक्टर्स बन रहे हैं तो हमें वो उस कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है. एंड आई एक्सप्लेन दैट टू यू राइट नाउ. अच्छा, फाउंडेशन मॉड्यूल के 9 क्रेडिट आवर्स हैं, ब्लड मॉड्यूल के भी 9 हैं, लोको के भी 9 हैं, रेस्पो के भी 9 हैं, एंड CVS के भी, सॉरी, रेस्पो के 4.5 हैं एंड CVS के 4.5 हैं, ठीक है, क्रेडिट आवर्स. अच्छा, क्रेडिट आवर्स बेसिकली इस तरह से समझ रहे, थिंक ऑफ देम एज वेटेज ऑफ द डिफरेंट मॉड्यूल्स इन योर ओवरऑल GPA. क्या मतलब इसका, आपकी जो GPA कैलकुलेट होगी आउट ऑफ 4 इज द हाइस्ट टोटल GPA, इसमें से आपकी जो भी GPA आती है उसमें जो डिफरेंट मॉड्यूल्स आपके जो एनुअल एग्जाम्स में दोबारा होंगे, एनुअल एग्जाम्स में ये 5 मॉड्यूल होंगे दोबारा से, ठीक है. अब इन मॉड्यूल्स की क्या क्या वेटेज है आपके GPA में, यही आपके क्रेडिट आवर्स से आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है. अब देखें, फॉर एग्जांपल, फाउंडेशन मॉड्यूल के 9 क्रेडिट आवर्स हैं एंड रेस्पिरेटरी मॉड्यूल के 4.5 क्रेडिट आवर्स हैं. इसका मतलब ये हुआ कि फाउंडेशन मॉड्यूल की वेटेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेस्पिरेटरी मॉड्यूल, ठीक है. इन सिंपल टर्म्स दिस इज़ व्हाट क्रेडिट आवर्स मीन इन योर GPA. बट गाइज, फोकस ऑन कीपिंग ऑल ऑफ देम सेफ, ठीक है, सब में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिएगा. कम क्रेडिट आवर्स का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आपने अगर उसमें बुरा किया, फेल हो गए, तो आपको वो रिपीट नहीं करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है. आपको वो उसकी भी सप्ली खुदा ना खास्ता देनी पड़ सकती है, ठीक है. अब गाइज, यहाँ पर ज़रा आ जाते हैं हम अपनी मेजर ऑब्जेक्टिव की तरफ आ जाते हैं कि GPA कैसे कैलकुलेट करते हैं. आपके पास एक तो थियोरी के मार्क्स होते हैं और एक वाइवा के मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है.
थियोरी के और वाइवा के जो भी मार्क्स आते हैं, रिमेंबर गाइज आई एम यूजिंग द टर्म मार्क्स, आई एम नॉट सेइंग परसेंटेजेस, इनके जो भी मार्क्स आते हैं उनको आप ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, एंड आपके पास टोटल मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। जो भी टोटल मार्क्स आपके आते हैं, ऑब्टेंड मार्क्स जो भी होते हैं उनको, और जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इनके कंबाइंड जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं उनको यूज करते हुए आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, जो भी आपकी परसेंटेज आती है। फिर उस परसेंटेज को आप एक टेबल के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं, जो कि आपको डाओ ने ऑलरेडी एक ट्रांसक्रिप्ट में, अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो आपको मिलेगी उस ट्रांसक्रिप्ट पर बना के दे दिया होगा, ठीक है। अब इस टेबल में मैंने पूरा टेबल ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ उसका रेलेवेंट पोर्शन यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक है। इसमें क्या है, पहला कॉलम जो है उसमें लिखा हुआ है कि मार्क्स ऑब्टेंड इन परसेंटेज रेंज, दूसरा कॉलम जीपीए का है, एंड तीसरा कॉलम ग्रेड का है। ग्रेड इज ऑफ नो यूज टू अस बिकॉज वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द जीपीए। अब 80-100% मार्क्स किसी के किसी भी मॉड्यूल में आ जाते हैं, 80-100, तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि उसको 4 GPA अवॉर्ड कर दी जाएगी उस मॉड्यूल में। फिर 75-79% मार्क्स जिसके भी होंगे उसको 4 GPA भी, उसको भी उस मॉड्यूल में अवॉर्ड कर दी जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फॉर, ठीक है। अब 60-62% मार्क्स किसी के होंगे किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में, फॉर एग्जांपल फाउंडेशन मॉड्यूल के में किसी के आ गए हैं 64 मार्क्स, तो वो इस रेंज में लाई कर रहे हैं तो उसको मिल जाएगी GPA 3, ठीक है। अब ये GPA ओवरऑल GPA नहीं है, ये उस पर्टिकुलर मॉड्यूल की GPA है, ठीक है। अब गाइज आपके पास उस पर्टिकुलर मॉड्यूल की GPA आने के बाद उस मॉड्यूल का क्रेडिट आवर आपको पता होगा, एंड इस GPA और उस क्रेडिट आवर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड वंस यू मल्टीप्लाई देम यू विल गेट अ नंबर, ठीक है। उस नंबर को क्या कहेंगे, उस नंबर का नाम होगा ग्रेड पॉइंट्स, ठीक है, उसे ग्रेड पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। जीपी, जीपीए का सिर्फ जीपी कहते हैं, इसे ग्रेड पॉइंट्स, ग्रेड पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे उस मॉड्यूल के। इसी तरह से आप फिर फॉर एग्जांपल ये मैंने किया था फाउंडेशन मॉड्यूल के लिए, यही चीज आपने रिपीट करनी है ब्लड के लिए भी, लोको के लिए भी, रेस्पो के लिए भी, सीवीएस के लिए भी, ठीक है। 5 मॉड्यूल होते हैं आपके फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अब इन 5 मॉड्यूल्स के लिए आपने ये स्टेप्स रिपीट कर दिए, इनको रिपीट करने के बाद आपके पास अलग अलग जी ग्रेड पॉइंट्स आ जाएंगे हर एक मॉड्यूल के, उन सबको आप ऐड कर देंगे जो कि ऑलरेडी ऐड करके आपको दिए हुए होंगे आपकी मार्कशीट पर, लेकिन वेरीफाई करने के लिए आप उनको ऐड कर देंगे और देखेंगे कि वे क्या वो दोनों सेम आ रहे हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो सेम आएंगे, ठीक है। अब टोटल ग्रेड पॉइंट्स आपके पास सारे मॉड्यूल्स के आ गए, उनको आप डिवाइड कर देंगे टोटल क्रेडिट आवर्स से। टोटल क्रेडिट आवर्स किसे कहते हैं, जो आपके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं ना, फाउंडेशन, ब्लड, लोको, रेस्पो, सीवीएस, उनके जो भी क्रेडिट आवर्स हैं उन सबको प्लस कर दिया, 36 आ गए, ठीक है। उसको यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में डाल देंगे। अब इस फ्रैक्शन का जो भी आंसर आएगा वो आपका जीपीए होगा, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीपीए। जीपीए स्टैंड्स फॉर ग्रेड पॉइंट्स एवरेज। अगर आप देखें तो ये मैंने एक एवरेज ही निकाला हुआ है, ठीक है। अब गाइज गाइज ये तो एक जनरल टेक्निक थी, जनरल मेथड था ऑफ कैलकुलेटिंग योर जीपीए। यहाँ पर एक एक्चुअल ट्रांसक्रिप्ट के मार्क्स मैंने लिखे हैं एक एक्चुअल स्टूडेंट के, ठीक है, जो कि उसको डाओ ने जो जीपीए अवार्ड की है वो भी वही है, यहाँ पर जो मैंने लिखे है वही जीपीए डाओ ने अवार्ड की भी की हुई है, एंड दिस इज एक्चुअल डेटा, ओरिजिनल डेटा है ये, ठीक है। उस स्टूडेंट को मैं पर्सनली जानता भी हूं, बट आई विल कीप हिज प्राइवेसी, आई वोंट रिवील हिज नेम, ठीक है। अच्छा गाइस, सो यहां पर फॉर एग्जांपल दिस इज लोकोमोटर मॉड्यूल, लोकोमोटर मॉड्यूल के मार्क्स मैंने डाले हुए हैं। थियरी लोकोमोटर मॉड्यूल की 100 मार्क्स की थी, एंड वाइवा उसका 200 मार्क्स का था, ठीक है। आउट ऑफ 100 ही गॉट 64 मार्क्स, आउट ऑफ 200 ही गॉट 150 मार्क्स, ठीक है। अब दीज आर द मार्क्स विच ही ऑब्टेन्ड एंड दीज आर द टोटल मार्क्स, इफ यू एड देम द टोटल मैक्सिमम मार्क्स आर 300 ऑफ बोथ वाइवा एंड थियोरी, ठीक है। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल मार्क्स हैं वो 300 है, इसी तरह से मैंने ऑब्टेन्ड मार्क्स को भी ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड कर दिया, पहला स्टेप किया,
तो 214 आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो भी टोटल मार्क्स है उनको कैलकुलेट करना है, उसकी क्या परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। यहां पर आप देखें तो 214 को 300 से डिवाइड करके टाइम्स 100 करूंगा तो परसेंटेज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, राइट, 71.3% आ गई। अब जो भी परसेंटेज आपकी आई है ना, उसे आपने क्या करना है, ये एरो, एरो को बस फॉलो करते जाएं, उसको आपने कंपेयर करना है अगेंस्ट दिस टेबल व्हिच हैज बीन गिवन टू यू बाय डाओ, ठीक है। अब इस टेबल जो कि 71.3% है, आप देखें किस रेंज में लाए कर रहा है। अगर आप गौर से देखें तो ये थर्ड वाली जो रेंज है इसमें आपका 71.3% लाए कर रहा है, 70 to 74, एंड इसकी जीपीए बन रही है 3.7, राइट। तो जीपीए क्या आ गई, 3.7 लोकोमोटर मॉड्यूल की 3.7 जीपीए आ गई। अब लोकोमोटर मॉड्यूल का क्रेडिट आवर्स कितने हैं, लोकोमोटर मॉड्यूल के क्रेडिट आवर्स कितने हैं, 9 है। तो इस 3.7 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड आई गॉट 33.30 ग्रेड पॉइंट्स, एंड दीज आर द ग्रेड पॉइंट्स अवॉर्डेड टू दिस पर्सन बाय डाओ ऑन हिज ट्रांसक्रिप्ट, दिस इज द ओरिजिनल रिजल्ट, ठीक है गाइज, दिस हैज बीन ऑथेंटिकेटेड बाय मी माई सेल्फ, ठीक है, मैंने देखा है उसका रिजल्ट यही है, ठीक है, 33.30 एंड दिस इज अवॉर्डेड बाय डाओ। अच्छा गाइज, हाउएवर this is the correct and actual technique of calculating your GPA, and this is the technique that will be applicable on almost, actually not almost but rather on every transcript that you have from your first year over here during this year, theek hai, yahi hai, this is the correct method, theek hai, the actual method that DAO has used in our transcripts. On the other hand, एक दूसरा मेथड बहुत ज्यादा कॉमन है, मैंने देखा है काफी, एंड इन फैक्ट दिस वाज द मेथड आई माय सेल्फ वाज यूजिंग व्हेन आई गॉट माय ट्रांसक्रिप्ट बिकॉज आई डिडंट नो व्हाट टू डू, राइट। मैंने कभी कोई उस ट्रांसक्रिप्ट को खोल के उसके ऊपर खुद कोई मैथ अप्लाई नहीं की, मैंने चेक नहीं किया, एंड सो सम फ्रेंड केम एंड ही टोल्ड मी के यार ये देखो ये सेकंड टेक्निक, उसने मुझे ये सेकंड टेक्निक पूरी बताई कि ये कर लो, इससे आपका जीपीए आ जाएगा। एंड जब मैंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट पे डाला तो सरप्राइजिंगली वही रिजल्ट आया जो कि मुझे डाओ ने अवॉर्ड किया था, ठीक है। बट फिर क्या हुआ कि एक दिन मेरा एक बहुत जीनियस फ्रेंड, लिटरली ही इज अ जीनियस, हिज नेम इज मोहम्मद, ठीक है, आई एम नॉट रिवीलिंग हिज सरनेम बिकॉज ही हैज ऑल्सो आस्क्ड मी टू कीप हिज प्राइवेसी, हिज नेम इज मोहम्मद, ठीक है, एंड ही केम अप विद दिस टेक्निक टू मी, एंड उसके पास एक और ट्रांसक्रिप्ट आई थी, मतलब एक फ्रेंड की ट्रांसक्रिप्ट थी, एंड उस पर जब वो ये इनअप्रोप्रिएट टेक्निक अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था तो आंसर सही नहीं आ रहा था, मतलब जीपीए डाओ की अलग आ रही थी एंड उसकी जीपीए अलग आ रही थी। तो फिर मैंने जब देखा तो मैंने एक और ट्रांसक्रिप्ट से उसे वेरीफाई करने की कोशिश की, मतलब मैंने खुद जाके चेक किया उसे, तो तब भी आंसर में डिफरेंस आ रहा था। तो दैट मींस दिस मेथड हैज बीन प्रूवन रॉन्ग बाय अस, एंड आई विल प्रूव इट हियर बाय यूजिंग दिस रॉ डेटा दैट दिस मेथड इज नॉट करेक्ट। Now see guys, what is this method? First let me tell you the method, and this method is very common guys, so please try not to use this method, stick to the correct method, okay? So now guys, ये method ये कहता है कि आपकी जो theory की percentage है, जो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने बताई है, उन्होंने ये कहा है कि theory की जो भी percentage है आपकी, ये marks नहीं, theory के marks को आप percentage में convert कर दो, मतलब 64% ये हो गया, एंड जो ये 150 आउट ऑफ 200 है इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, वाइवा की परसेंटेज, जो वाइवा की परसेंटेज है उसका 1/3 और जो थियोरी की परसेंटेज है उसका 2/3 लो, एंड दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद आपके पास एक ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा, एक परसेंटेज आ जाएगी। जो भी परसेंटेज आपकी आएगी उसको इस टेबल के अगेंस्ट कंपेयर करो, इस टेबल के अगेंस्ट जब मैं कंपेयर करता था, ठीक है, तो फिर आपके पास एक जीपीए आ जाता था। बट सिंस इस टेबल में एक रेंज गिवन है, राइट, इस रेंज की वजह से को इंसिडेंटली इसका आंसर और उसका आंसर यूजुअली जो कि ज्यादा स्कोरिंग स्टूडेंट्स है ना, जो हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स है, उनके ट्रांसक्रिप्ट में दोनों सेम रेंज में लाए करते थे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये दोनों सेम रेंज में आ जाते थे, ठीक है, मतलब 70 to 74, अगर उसका रिजल्ट 71 आ रहे तो इसका रिजल्ट 73.9 करके,
या 74 पॉइंट समथिंग करके आ रहा होगा। तो इसलिए इन दोनों की जो जीपीए हम कैलकुलेट ले लेते थे वो दोनों की सेम ले लेते थे, ठीक है, बट दिस मेथड इज नॉट करेक्ट। अब देखें, आगे देखें, फिर जो भी जीपीए आपकी आ गई यहां से उसको आपने क्रेडिट आवर्स से मल्टीप्लाई किया, क्रेडिट आवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आया वो आपका ग्रेड पॉइंट बन गया, ठीक है। अब ये ओरिजिनल डेटा है एंड दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम अ ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ अ स्टूडेंट स्टडिंग करंटली विद अस एट डाओ। अब इस डेटा को उठाकर अगर मैं इसी फॉर्मूला में फिट करूं और इसी टेक्निक को उस पर अप्लाई करने की कोशिश करूं, तो लेट्स सी इफ दिस टेक्निक इज करेक्ट, इट शुड गिव अस द रिजल्ट दैट डाओ हैज एक्चुअली अवॉर्डेड इटसेल्फ, राइट। सो लेट्स सी, अब इसमें क्या हुआ है, टू थर्ड ऑफ द 64%, ठीक है, टू थर्ड ऑफ द थ्योरी प्लस वन थर्ड ऑफ द वाइवा स्कोर, वाइवा परसेंटेज, वाइवा की परसेंटेज कितनी है, 150 ऑफ 200 करेंगे तो परसेंटेज आ गई 75, इन दोनों को आपने ऐड किया तो परसेंटेज आ गई 67.7%। अब ये 67.7% कह रहे हैं कि इसको कंपेयर करना है इस टेबल के अगेंस्ट, गाइस वहां पर क्या परसेंटेज आएगी, 71.3% जिसको हमने कंपेयर किया था टेबल के अगेंस्ट। क्या ये दोनों परसेंटेज सेम है, बिल्कुल नहीं। क्या ये दोनों परसेंटेज इनमें से सेम रेंज में लाई कर रही हैं, देख लेते हैं, 67.7 जो है ये आपकी ये फोर्थ रेंज में लाई कर रही है और जो 71.3 है ये आपकी थर्ड रेंज में लाई कर रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस मेथड को यूज करते हुए जीपीए 3.3 आ रही है एंड 3.3 जीपीए को अगर आप क्रेडिट आवर्स ऑफ लोकोमोटर मॉड्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट एन आंसर ऑफ 29.7 ग्रेड पॉइंट्स एंड दिस वाज नॉट अवॉर्डेड बाय डाओ बट रादर इट वाज दिस नंबर दैट वाज अवॉर्डेड बाय डाओ, ओके। इसका क्या मतलब हुआ, इससे ये प्रूव हो गया कि दिस मेथड इज रॉन्ग एंड दैट मेथड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड गाइस ये तो एक एग्जाम्पल है, इसी तरह की एक और एग्जाम्पल थी एक और स्टूडेंट की, उसका भी नाम मैं यहां पर डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट उसी स्टूडेंट के जो मार्क्स थे ना उस मार्क्स पर भी जब मैंने ये वाला मेथड अप्लाई किया तो आंसर वो नहीं आ रहा था जो डाओ ने अवॉर्ड किया था। तो गाइज प्लीज दिस इज नॉट अ करेक्ट मेथड, प्लीज इससे बच के रहिएगा, ठीक है, वो मेथड ज्यादा बेहतर है एंड दैट्स द करेक्ट मेथड इन फैक्ट, ठीक है, आपने करेक्ट मेथड यूज करना है, रॉन्ग मेथड नहीं यूज करना, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस इट्स बेसिक देखें डाओ ने जो है ना सिंपली क्या किया है, उन्होंने ये जो टोटल आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं और टोटल जो आपके वाइवा के मार्क्स हैं ना उनको आप उन्होंने परसेंटेज में बस कन्वर्ट कर दिया एंड फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद टेबल के अगेंस्ट कंपेयर किया, टेबल के अगेंस्ट कंपेयर करने के बाद उससे जीपीए निकाली, जीपीए जो भी आ गई उसको उसके क्रेडिट आवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया एंड वो आपके ग्रेड पॉइंट्स आ गए उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के। इसी तरह से इसी टेक्निक को पांचों मॉड्यूल पर रिपीट किया, जो भी टोटल ग्रेड पॉइंट्स मतलब उन सब के अलग अलग ग्रेड पॉइंट्स आए होंगे उन सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद 36 जो कि टोटल क्रेडिट आवर्स है उनसे डिवाइड किया एंड यू गॉट योर जीपीए, सिंपल। Okay guys, this method is not correct. This method is giving us the wrong result, okay? So please be aware of this method and do not use it in calculating your GPA. Otherwise, देखें guys, मैं ये समझ सकता हूँ कि कुछ students क्या इससे भी answer वही आ रहा था जो कि Dow ने award किया था, but उसकी explanation ये है कि यहाँ पर आपके पास range है, ठीक है, अरेंज इज गिवन टू यू, तो यहां से वहां से कोइंसिडेंटली जो इसका उसकी परसेंटेज आती थी वो उसकी परसेंटेज दोनों के दोनों सेम रेंज में लाए अगर करते तो उससे आंसर दोनों का सेम आता, बट जब ये दोनों डिफरेंट रेंजेस से बिलोंग करने लग गए, मतलब इसमें ये 71.3% है एंड ये 67.7% है, जो टेक्निक सही थी वही डाओ को फॉलो, डाओ ने वही टेक्निक फॉलो की होगी, राइट, एंड वही आंसर दिया था, उस टेक्निक से जो रिजल्ट आया 33.3 यही रिजल्ट उस बंदे की ट्रांसक्रिप्ट पर था एंड जो इस रिजल्ट इस टेक्निक से जो रिजल्ट आया दिस वाज नॉट ऑन द ट्रांसक्रिप्ट। इससे क्या क्या प्रूव हुआ कि दिस इज नॉट द मेथड दैट डाओ यूजेस, इट्स दैट मेथड दैट डाओ यूजेस, ठीक है। सो प्लीज दैट्स द मेथड दैट यू गाइज आर ऑल्सो सपोज टू यूज, all right, and apart from that guys, if you have any question regarding your GPAs
or anything regarding your GPAs, you can comment it down in this section, in the comment section. Only if you are affiliated with Dow Medical College, meaning Dow and medicine of Dow, MBBS program of Dow, okay? क्योंकि बाकियों का मुझे नहीं पता कि वो किस टेक्निक से जी पी ए कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एम बी बी एस एट बी एम सी फर्स्ट ईयर मैं जिस जो मैंने अभी अभी खुद पढ़ा है, दिस इज द टेक्निक दैट वी यूज, ठीक है? एंड दिस इज द टेक्निक दैट माई जीनियस फ्रेंड मोहम्मद टोल्ड मी अबाउट, ठीक है? ये टेक्निक उसने मुझे बताई थी. तो मैं भी पहले यही टेक्निक यूज कर रहा था ब्लाइंड फोल्डेडली, ठीक है? बस फॉलो कर रहा था लोगों को जो भी कहा उन्होंने, एंड क्योंकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, ठीक है? मैंने कहा बस चलो जो भी ग्रेड मिल गया अब क्या करेंगे इसको वेरीफाई करके ये वो करके, लेकिन दिस इज़ द राइट टेक्निक, ओके? क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि मिसगाइड हो रहे हैं, तो प्लीज़ बी अवेयर. एंड एनी क्वेश्चंस यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.